हाँ, आज का जो टॉपिक है वो है इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स जैसे हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, शेयर क्या होता है, जितने पार्ट में किसी चीज को हम डिवाइड करते हैं वो जितने लोगों में डिवाइड हो रहा है वो क्या हो जाता है, वो शेयर हो जाता है। यानी कोई भी चीज़ को हमने किसी पार्ट में डिवाइड किया, जितने पार्ट में डिवाइड किया उसको हमने क्या कहा, शेयर। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज कीजिए ये इसको हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते चले जा रहे हैं, तो ये हमारे क्या हो गए, अलग अलग पार्ट के क्या हो गए, ये शेयर हो गए। ठीक, यानी ईच पार्ट एक शेयर की तरह हो गया। अब ये तो शेयर होती है, इशू क्या होता है कि कंपनी जब शेयर को अपना इशू करना चाहती है, कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी, कुछ टाइप की कंपनी, जो भी कोई पब्लिक कंपनी होगी वो क्या करती है, शेयर इशू करती है। शेयर इशू करने के लिए कंपनी में कोई ना कोई चीज अप्लाई करती है। कभी आपने ऐसा देखा है कि किसी भी कंपनी का, एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी का कोई आया एम्प्लॉय या कोई भी आई कि आपके पास आया कि आप कंपनी इतना शेयर इशू करना चाहती है, आप ले लीजिए, यानी डोर टू डोर जाके ऐसा तो नहीं होता। या किसी पर्सन को, या हमको एक्स वाई जेड किसी पर्सन को अगर किसी कंपनी का शेयर लेना हो, कंपनी में पहुंचे हमको इतना शेयर चाहिए, तो क्या कंपनी शेयर इशू कर सकती है, करती है नहीं। यानी कंपनी को शेयर इशू करने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस अप्लाई करती है, और जो प्रोसेस अप्लाई करती है वो प्रोसेस अप्लाई कैसे होता है कि कंपनी क्या करती है, जब भी किसी कंपनी को शेयर इशू करना होता तो कंपनी क्या देती है, ऐड देती है। ऐड किसमें देती है, न्यूज़पेपर में और टीवी में ऐड देती है, और साथ में प्रॉस्पेक्ट इशू करती है कि कंपनी से अपना शेयर इशू करना चाहती है, जो भी पर्सन इंटरेस्टेड हो वो अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। प्रॉस्पेक्टस होता कैसा है कि नॉर्मल एक प्रॉस्पेक्टस होती है जिसके पीछे फॉर्म लगा होता है, जिस किसी पर्सन को भी लेना होता है उस प्रॉस्पेक्टस को फिलअप किया, प्रॉस्पेक्टस के पीछे की जो फॉर्म हुआ उसको फिलअप किया, और जो भी रिक्वायरमेंट अमाउंट होती है वो कंपनी को भेजता है। अब कंपनी को पैसा मिलता कैसे है ये देखते हैं। मान लीजिए कोई एबीसी लिमिटेड है, ठीक। अब एबीसी लिमिटेड को कोई भी कंपनी है जो स्टार्टिंग हुई, जब कोई कंपनी स्टार्टिंग, हम लोग यहां पर जो शेयर की बात करने जा रहे हैं तो वो किसकी बात कर रहे हैं, जब कंपनी स्टार्टिंग में जब शेयर इशू करती है तब उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई भी कंपनी जो शेयर इशू कर रही है, टोटल जो इसकी है, इसकी जो रुपीस है, जो टोटल रुपीस ऑथराइज कैपिटल जिसे हम लोग कहते हैं, वो कितने का, सपोज कर लेते हैं 10 लाख का, 10 लाख। जो 10 लाख जो पूरी टोटल रुपीस है, इसको कंपनी ने छोटे 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 पार्टों में अलग अलग लॉट में बना के रखा हुआ है, जो ईच पार्ट की जो प्राइस है वो कितने का है, 10 रुपीस का, एज्यूमिंग। ओके, यहां पर अगर करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया, 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर हो गया। ये कंपनी की ऑथराइज कैपिटल थी, और कंपनी के जो उसका जो था डिवाइड किया, एक शेयर के प्राइस कंपनी ने रखा 10 रुपीज, यानी कितने पार्ट में डिवाइड किया, इतने कितने शेयर में उसको डिवाइड कर रही है कंपनी, 1 लाख, ठीक है। यानी इतने पार्ट में हो जाएंगे ये कंपनी के क्या हो गए, शेयर हो गया। अब कंपनी को तो इतने शेयर इशू तो करने हैं, अब कंपनी इशू करती है तो कंपनी को जब शेयर इशू करना होता है तो कंपनी प्रोसेस अप्लाई करती है। कौन कौन से प्रोसेस अप्लाई करती है, कंपनी का एक शेयर हो तो कंपनी चाहे तो उसको दो टाइप से ले सकती है। पहली कंडीशन में कि कंपनी वन टाइम में कंपनी आपसे पूरे का पूरा पैसा ले ले। जो कंपनी वन टाइम में जो पैसा लेती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लमसम। व्हेन द शेयर इशू आर पेबल इन वन इंस्टॉलमेंट, जब वन इंस्टॉलमेंट में जब पैसा लेती है, द शेयर आर सेड हैव बीन इशूड अगेंस्ट लमसम, इसको क्या कहा जाता है, लमसम। यानी कंपनी वन टाइम में ही इस पैसे का, यानी कंपनी का एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का है, कंपनी आपसे 10 रुपए के बारे में एक ही बार में ले दे रही है, 10 रुपए में। ओके, अब सेकंड क्या होती है, ये तो कंपनी ने वन टाइम जब ले रही है तो इसको उन्होंने कहा क्या, लमसम।
वन टाइम रिसीव की तो उसे हम लोगों ने क्या कहा लमसम, क्योंकि कंपनी वन टाइम में वन इंस्टॉलमेंट में पूरे का पूरा पैसा ले लेती है। ठीक, अब कंपनी जो सेकंड आती है वो किस बेसिस पे आती है, कंपनी का जो बेसिस चलता है वो किसके बेसिस पर चलता है, इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे। यानी सेकंड आती है इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या हो गया कि कंपनी किसी भी चीज को, जैसे मानिए ये जो 10 रुपए का शेयर था, ये 10 का है, कंपनी से अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, 2, 3, 2, 3, यानी कंपनी ने अलग अलग इंस्टॉलमेंट में अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। यानी ईच पार्ट जो उसकी हो रही है, इसकी ये जो अलग अलग पार्ट में जो डिवाइड किया वो क्या हो गया उसकी, वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2 रुपए से, सेकेंड 3 रुपए से, थर्ड 2 रुपए से, एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट 3 रुपए से। कंपनी ये जो लमसम का यूज हो या इंस्टॉलमेंट बेसिस पे हो, ये कंपनी का कौन डिसाइड करता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कंपनी वन टाइम में पैसा लेना चाहती है या इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे, वन टाइम में या अदरवाइज इंस्टॉलमेंट में। ओके, अब कंपनी अगर डिसाइड करती है कि लमसम या इंस्टॉलमेंट में, अब कंपनी में जो शेयर इशू करने होते हैं, शेयर इशू करती है तो कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है तो इसके भी तीन प्रोसेस है, तीन प्रोसेस का तीन टाइप से कंपनी पैसा कॉल करती है। पहला क्या होता है, फर्स्ट जो आती है उसको हम लोग कहते हैं एट पार। एट पार, एट पार का मतलब सम मूल्य पे, यानी जितने का कंपनी का शेयर होता है कंपनी उतने पे ही शेयर दे रही है, तो दैट से क्या हो गया वो एट पार। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 10 रुपए का शेयर है और कंपनी 10 में दे रही है तो उसे हम लोग क्या कहें, एट पार। ओके, अब इसके बाद फिर कंपनी क्या करती है, एट प्रीमियम, सेकंड एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब क्या हो गया कि कंपनी का जो 10 का शेयर था, कंपनी के जो 10 का शेयर था कंपनी उससे अधिक पे दे रही है। यानी फेस वैल्यू थी, ये था फेस वैल्यू पे था, ये था जितनी फेस वैल्यू है इसकी, नॉमिनल जो फेस वैल्यू है उससे अधिक पे दे रही है, तो उसको क्या कहा गया, एट प्रीमियम। ओके, अब आती है तीसरा, आता है एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट, इसका अर्थ क्या हुआ, 10 रुपए का जो शेयर है वो कितने में करी कंपनी, 9 में, यानी कम पे। कंपनी एक्ट 2013 के बेसिस पे केवल इन दोनों मेथड का ही यूज होती है जो पब्लिक में इशू करती है, 2013 के बेसिस पे। कंपनी एक्ट 2013 के बेसिस पे किस हिसाब से करती है, एट पार और एट प्रीमियम, इस हिसाब से भी किया जाता है एट डिस्काउंट में, लेकिन पब्लिक में नहीं होती है, जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे स्वेट इक्विटी शेयर में। ठीक है, लेकिन ये तीनों पार्ट कब यूज होती थी, कंपनी एक्ट 1956 जब अप्लाई होती थी तब कंपनी इस तीनों का यूज करती थी, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट में। यानी फिर से हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देखा कि इशू ऑफ शेयर करने के लिए कंपनी कैसे शेयर इशू करती है। कंपनी दो टाइप से होता है, एक होती है कंपनी जो वन टाइम में पैसा ले रही है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लमसम। ओके, सेकंड क्या होता है, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट की कंडीशन में क्या होती है, कंपनी जितने भी पार्ट में डिवाइड कर रही है ईच पार्ट को क्या हो गए, इंस्टॉलमेंट हो गए। अब कंपनी शेयर इशू करती है तो कौन कौन से, पहला एट पार। एट पार की कंडीशन में यानी 10 रुपीज का एक शेयर की प्राइस कितने की है, 10 रुपीज की है, तो कंपनी 10 रुपीज का शेयर 10 रुपीज में इशू कर रही है, तो दैट से क्या हो गया वो एट पार। सेकंड कंडीशन में कि कंपनी की जो शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज में और कंपनी ने इशू कितना में किया है उसको, 12 में, दैट से क्या हो गया वो एट प्रीमियम, यानी एक्स्ट्रा मांग रही है तो क्या हो गया वो एट प्रीमियम। थर्ड आता है एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया कि कंपनी जो 10 रुपए का शेयर था कंपनी कितने में कर रही है, 9 रुपीज में कर रही है, तो वो क्या हो गया वो एट डिस्काउंट हो गए। ओके, अब जब एट डिस्काउंट आए, अब कंपनी एक्ट 2013 के बेसिस पे कंपनियां पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकती, किसमें, एट डिस्काउंट में, वो किसमें इशू कर सकती है, ओनली एट पार और एट प्रीमियम पे।
लेकिन कंपनी एक्ट 1956 के हिसाब से पहले कंपनियां एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट में इशू करती थी, लेकिन 2013 के बेसिस पे भी, 2013 के बेसिस पे भी कंपनियां शेयर इशू करती हैं किस पे, एट डिस्काउंट पे, लेकिन किस में, स्वेट इक्विटी की कंडीशन में, जो आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जो मेन हम को डिस्कस करना हो किस पे, एट पार और एट प्रीमियम पे। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें इंडिया क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन सी ऐसी एंट्रियां आती हैं जो इसमें हम लोग शो करते हैं, वो कौन कौन सी है। अब देखते हैं, पहला जो हम बात करेंगे किस पे बात करेंगे, लमसम में। लमसम में एट पार में क्या क्या एंट्री करती है कंपनी और एट प्रीमियम पे। ओके, और एग्जाम्पल के साथ हम लोग सॉल्व भी करते चलेंगे। अब हम बात करते हैं लमसम में एट पार। लमसम में पहला एट पार, एट पार यानी कंपनी का एक शेयर था फेस वैल्यू 10 का थी और कंपनी ने इसे ऑफर भी कितना किया पब्लिक में रुपीज 10 में, दैट से क्या हो गए वो एट पार। ओके, अब कंपनी जब भी शेयर इशू करती है एट पार की कंडीशन में, तब कंपनी अपने आप एंट्री क्या करती है, क्योंकि कंपनी जब भी कोई पैसा लेती है तो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू लेती है। बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हो गया कि बैंक आप चेक के थ्रू दे सकते हो, डीडी के थ्रू दे सकते हो, अदरवाइज बैंक को कोई भी कंपनी किसी अथोराइज कर देती है किसी बैंक को उसके अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर सकते हैं। यानी कभी भी बैंक कंपनी पैसा लेती है तो किससे लेती है, बैंक से। इसलिए जब भी कोई एंट्री करते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब पहली एंट्री आती है एट पार में, लमसम में एट पार में, तो फर्स्ट एंट्री क्या आती है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बी द एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब जो ये पहली एंट्री करते हैं, कंपनी को जब भी ये पैसा मिलता है किसका मिलता है, एप्लीकेशन का पैसा मिलता है, जब भी कोई शेयर होल्डर ये एंट्री किस पॉइंट ऑफ व्यू से करती है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी का पैसा आ रहा है किस चीज का आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन का, तो कंपनी ने एंट्री किया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फर्स्ट एंट्री आई, तो इसका बींग शेयर बींग द एप्लीकेशन मनी रिसीव। ओके, अब जब कंपनी ने एप्लीकेशन की मनी रिसीव किया तो कंपनी ने शेयर इशू क्यों किया था, कंपनी का मेन प्रोसेस क्या था, शेयर इशू करने का रीजन क्या था, कि कंपनी अब शेयर इशू कर रही है तो किसके लिए, अपने फंड के लिए जो एक कैपिटल में आती है, तो उसको कहां पे उसकी रिक्वायरमेंट थी कैपिटल के, इसलिए कंपनी ने पब्लिक में क्या किया, शेयर इशू किया, उसको जो अमाउंट थी उसको कहां ट्रांसफर करती है, वो कैपिटल में। इससे जो नेक्स्ट एंट्री आती है वो क्या आती है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कंपनी को जो एप्लीकेशन का अमाउंट मिला उसको कहां ट्रांसफर कर रही है, वो कैपिटल में। अब इसकी नेशन क्या हो गया, बींग शेयर अलॉटेड एंड, यानी कंपनी क्या कर रही है, शेयर को अलॉट कर रही है और एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कहां कर रही है, शेयर कैपिटल में, एंड एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर एंड एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर
कहाँ ट्रांसफर कर रही है वो कंपनी, उस पैसे को कहाँ ट्रांसफर कर रही है, एप्लीकेशन मनी को कहाँ पे, टू शेयर कैपिटल में, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए कंपनी ने पैसे सुकी बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव, यानी कंपनी को रिसीव किया और उस पैसे को कहां ट्रांसफर कर दिया है, कैपिटल में, और कंपनी शेयर भी अलॉट करती है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, सेम इसी एंटिटी में केवल हम लोग रखना होगा वो क्या है। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए जैसे दिया हुआ है ए लिमिटेड ऑफर टू ए पब्लिक ऑन 1 अप्रैल 2016 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ विच 10 ईच एट पार पेबल अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर ऑल द शेयर ऑन 30 अप्रैल 2016 एंड द शेयर अलॉटेड ऑन 15 मई 2016 पांच दिन से जनरेटी। कंपनी ने 40,000 इक्विटी शेयर को इशू किया और एक शेयर की प्राइस कितने की थी, 10 रुपीज की, यानी कंपनी को वन टाइम में मिल रही है। तो जो पहली एंट्री में आई, जो जो डेट आया, किस डेट को कंपनी ने इशू किया था, 1 अप्रैल 2016, यानी यहां पे डेट क्या आ गया, 2016 अप्रैल 1। कंपनी के पास अप्रैल 1 आई, कंपनी के पास से ये पैसा आया बैंक के थ्रू, कितने नंबर ऑफ शेयर का, 40,000 का, यानी 40,000 इंटू 10 के हिसाब से कंपनी के पास पैसा कितना आया, 4 लाख। ओके, 4 लाख है, कोई दिक्कत। अब कंपनी के पास ये 4 लाख रुपीस आया तो कंपनी ने एंट्री क्या किया, 2016 अप्रैल 1 को कंपनी इंटी किया बैंक ऑन डेबिट से एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने रुपए से किया, 4 लाख से। अब इसी अमाउंट को कंपनी कहां ट्रांसफर कर रही है, से एप्लीकेशन अलॉटमेंट को, और किस डेट को कब बता रही है कंपनी, अप्रैल 30 को कंपनी को रिसीव हुआ था और अलॉट कब कर रही है, 15 मई, यानी ईयर सेम है, डेट क्या है, मई 15, यानी सेकेंड एंट्री कब हो गया, ईयर 2016 मई 15 को कंपनी ने उस पैसे को ट्रांसफर कर दिए, कहां पे अलॉट कर दिए, कहां पे, किसको अलॉट करी, शेयर होल्डर को, कितना, यहां पे शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में कौन से अमाउंट आ गए, 4 लाख से। ओके, एनी डाउट, सेम अगर इसी हिसाब से देखा जाए, एक नेक्स्ट एग्जांपल को देखा जाए तो वो भी क्या है देखते हैं। दिया हुआ एक कंपनी इशू 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ पिस 10 ईच टू पब्लिक, ऑल द अमाउंट हैव बीन रिसीव इन लमसम पास ने से जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी, यानी कंपनी के पास पूरे का पूरा कितने की शेयर कर रही है, 2,50,000 इक्विटी शेयर कर रही है, और जो शेयर कितने रुपीज का है, 10 रुपीज का है। ओके, सेम एंट्री, केवल अमाउंट चेंज है, चेंज क्या है, कंपनी के पास बैंक से पैसा आ रहा है, किस चीज का एप्लीकेशन आया, अलॉटमेंट का। ठीक है, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का आ रहा है, यहां पर डेट तो नहीं दिया हुआ है, तो यहां से हम डेट घटाते हैं, डेट हट गया। कंपनी का एक शेयर की प्राइस कितने की है, कंपनी के नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर कंपनी के पास टोटल कितना है, यहां पर कंपनी के पास 2,50,000 शेयर है, और एक शेयर की प्राइस बता रहा है कंपनी क्या, 10 रुपीज से, यानी यहां पे कितना आ गया, 25 लाख कैसे, और यहां पे भी कितना आ गया, 25 लाख कैसे आया, 2,50,000 शेयर था, 2,50,000 इंटू 10। ओके, कंपनी को इतना पैसा रिसीव हुआ और कंपनी उसी को कहां ट्रांसफर कर रही है, शेयर कैपिटल में, और शेयर अलॉटेड कर रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो गया, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, कितने से, सेम 25 लाख, ट्वेंटी फाइव
lab. Okay, end of ये कंपनी ने शेयर इशू किया, कोई दिक्कत? एंड आउट सेम, ये थी लमसम के बेसिस पे कंपनी जब शेयर इशू करती हैं, वन टाइम में जब कंपनी को पैसा रिसीव हो रही है तब उसका हम लोग क्या करते हैं, लमसम। ठीक, अब आगे बात करेंगे एट प्रीमियम में। ये तो था किस पे था, एट पार पे, यानी कंपनी जब शेयर इशू कर रही है किस पे, एट पार पे। तो इंट्री क्या हुआ, बैंक ऑन डेबिट से एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो इतना अमाउंट रिसीव किया और जब उसको ट्रांसफर कर रही, तो नेक्स्ट इंट्री क्या हो गया, से एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किस पे, लमसम पे ही, कौन सा टॉपिक, एट प्रीमियम पे। एट प्रीमियम पे कंपनी क्या एंट्री करती है। ओके,